नमस्कार, मैं उर्मिला चौधरी आप सभी लोगों का उर्मिला वीसी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे श्री राम मंदिर अयोध्या, जानेंगे इसका पूरा इतिहास और क्या सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने क्या निर्णय दिया था। आइए शुरू करते हैं। राम मंदिर का इतिहास सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया था। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम जी की है और यह राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुम्बद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुम्बदें थीं। साल 1853 से 1949 तक 1853 में इस जगह आसपास पहली बार दंगे हुए थे। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी थी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई थी। अब जानते हैं साल 1949 में असली विवाद क्या हुआ था। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्ति मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी हैं। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इस विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गईं। इसमें एक में रामलला की मूर्ति की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम जी की मूर्ति रखे रहने की इजाज़त मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने 3री अर्जी दाखिल की। साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर दी विवाद जगह के पोजीशन और मूर्ति हटाने की। साल 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनवाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दे दिया। 6 दिसंबर 1992 को BHP और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के, जिनमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटने का। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। BJP के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए गए। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की मध्यस्थता के लिए भेजा पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा। 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल का मामले का समाधान निकालने में विफल रहा है। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 यानी कि 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली मस्जिद के लिए अलग से। 25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम PM नरेंद्र मोदी, RASS सत्संग चालक मोहन भागवत, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता दिया गया।
अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम मोदी ने किए दर्शन, राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण। राम मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर बनाया जा रहा एक हिंदू मंदिर है, जहाँ मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म के भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। मंदिर निर्माण की परिवेक्षण की श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कर रहा है। आर्किटेक्ट हैं चंद्रकांत सोमपुरा, देवता हैं रामलला। निर्माण पूर्ण 3 साल 9 माह और 2 सप्ताह से निर्माणाधीन। मंदिर संख्या 1, वास्तुकार सोमपुरा परिवार चंद्रकांत सोमपुरा, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। स्थापित अपेक्षित है 22 जनवरी 2024। अयोध्या राम मंदिर श्री राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे केस में एक है, लेकिन 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 1528 से 2020 तक अयोध्या के पूरे 492 सालों के इतिहास। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रतिनिधि ने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी को निमंत्रण दिया था। अयोध्या में श्री राम मंदिर की आधारशिला भी पीएम मोदी द्वारा ही रखी गई थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निगरानी में निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ चुका है। राम मंदिर का निर्माण कार्य अयोध्या में तेजी से हो रहा है। 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होना है, उससे पहले मंदिर में फर्श जड़ाई का काम किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की गई। इससे पहले ट्रस्ट ने निर्माण कार्य की तस्वीर में साझा की गई थी। पीएम मोदी उद्घाटन समारोह में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रतिनिधि ने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी को निमंत्रण दिया था। अयोध्या में श्री राम मंदिर की आधारशिला भी पीएम मोदी द्वारा ही रखी गई थी। गौरतलब है कि अयोध्या विवाद पर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले आने के बाद निर्माण में तेजी आई, जिससे भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया था। निर्माण के सभी पहलुओं को देखरेख और निर्णय लेने के लिए केंद्र ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की थी। ट्रस्ट की निगरानी में निर्माण कार्य लगातार लगभग पूरा हो चुका है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का कामकाज देखने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आगामी 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में न्योता देना शुरू कर दिया है। इस बीच मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का काम 24 घंटे चालू है, जिससे समय रहते इसे पूरा किया जा सके, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश विदेश से कई अतिथियों के आने की उम्मीद है। नए मंदिर के लिए पुजारियों का भी चयन जारी है। पहले चरण में 300 अर्जियों में से 21 पुजारियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। इन्हीं पुजारियों में से अयोध्या में राम मंदिर के पुजारी चुने जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सनातन धर्म वेदों और शास्त्रों पर उनके ज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। कुछ को ही ये नौकरी मिलेगी, जबकि दूसरे युवकों को देश के अलग अलग मंदिरों में भेजा जाएगा। हालांकि राम मंदिर कमेटी के इस फैसले पर अयोध्या के कुछ स्थानीय महंतों और पुजारियों ने हैरानी जताई कि 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रमुख पुजारी हजारों मंदिरों वाले शहर अयोध्या से क्यों नहीं चुने गए। अयोध्या की हनुमानगढ़ी के प्रमुख महंत धर्मदास के गुरु बाबा अभिराम दास ने साल 1949 में रामलला की मूर्ति विवादित ढांचे में रखी थी। तो ये थी श्री राम मंदिर के निर्माण से संबंधित छोटी सी जानकारी। अगर आप सभी लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और अगर आप उर्मिला वीसी चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप उर्मिला वीसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले और आप उसका आनंद ले सकें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग मेरे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।